नेटस्केप नेविगेटर है क्या? क्या हम 2021 में नेटस्केप नेविगेटर यूज कर सकते हैं? आज के बारे में इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक, आप सबका स्वागत है टेक्नोमाइट यूनिवर्सल की एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा हिस्ट्री से रिलेटेड होने वाली है। सो गाइस, विदाउट एडवर्टाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं कि नेटस्केप नेविगेटर है क्या। आज के जमाने में जो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोर नहीं, अभी तो माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एज जो वेब ब्राउजर्स हम यूज करते हैं, 1990s में नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर हुआ करता था। तुम में से बहुत सारे लोगों का ये चीज पता भी नहीं होगी। किसी को पता नहीं होगी क्योंकि मुझे खुद पता नहीं थी ये चीज। मैंने बस नेटस्केप नेविगेटर का नाम मैंने बहुत पहले से सुनकर रखा है, बट चीज क्या थी वो मुझे पता नहीं थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया था, वैसे वैसे मुझे कंप्यूटर्स के बारे में इंटरेस्ट बहुत बढ़ने लगा था, तो मुझे नेटस्केप नेविगेटर के बारे में पता चल गया कि नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर हुआ करता था। अब ये नेटस्केप नेविगेटर जो ब्राउजर हुआ करता था, उसका रिलीज समथिंग लाइक 1994 के आसपास हुआ था। नेटस्केप नेविगेटर ये दुनिया का दूसरा वेब ब्राउजर हुआ करता था। अब दूसरा वेब ब्राउजर जिसको बहुत सारे प्रोटोकॉल सपोर्ट करते थे उस टाइम, और इमेजेस वगैरह ये सब शो होती थी। सबसे पहला जो वेब ब्राउजर हुआ करता था वो सिर्फ वेब पेजेस के फॉर्म में हुआ करता था, जिसमें इमेजेस वगैरह नहीं होती थी। उसके बाद और एक वेब ब्राउजर आया, उसका नाम लिंक्स था, LYNX। उसके बाद मोजाइक लॉन्च हुआ था समथिंग लाइक 1993 में, और उसकी फाइनल रिलीज जो निकली थी, मतलब अपडेट जो निकला था, वो 1997 के आसपास निकला था। उसके बाद जो वेब ब्राउजर आया 1994 में, वो था नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर जैसे ही मार्केट में आया, इसने बहुत ज्यादा मार्केट में धूम मचा दी थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल सपोर्टेड थे। ये एक यूजर फ्रेंडली वेब ब्राउजर माना जाता था, और बहुत सारे लोग इसे अपना प्राइमरी ब्राउजर यूज करते थे। बट 1994 के बाद 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज कर दिया, और इसके ऊपर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी, और इसकी केस समथिंग 2 या 3 साल चली थी, आई थिंक सो, मुझे कंफर्म नहीं पता ये चीज। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट करके मुझे उसके बारे में बता सकते हो। तो ये केस जो चली थी वो नेटस्केप नेविगेटर ने बाद में जीत ली थी 1997 में। बट द थिंग इज, तब तक माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो ब्राउजर था वो रिलीज कर दिया था, और बहुत सारे लोग नेटस्केप नेविगेटर से प्राइमरी ब्राउजर अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर कर चुके थे, और बहुत सारे लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर ही यूज कर रहे थे। 1998 में AOL के नाम की एक कंपनी ने नेटस्केप कम्युनिकेशंस को बाय कर लिया। अब नेटस्केप कम्युनिकेशन के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स थे वो AOL के पास थे, और कहीं ना कहीं AOL उसमें फेल हो गया। 2002 में जब मोजिला फायरफॉक्स आया, तब मोजिला फायरफॉक्स ने इंटरनेट पे धूम मचा दी थी। अब धूम ऐसे मचा दी थी क्योंकि मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये नए नए अलग जो प्रोटोकॉल्स आते थे उनको सपोर्टेड थे, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं नेटस्केप नेविगेटर कम पड़ रहा था। इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स के जो डाउनलोड्स वगैरह थे वो अप जा रहे थे, और नेविगेटर ज्यादा चल नहीं पा रहा था। 2008 के फरवरी तक नेटस्केप नेविगेटर का एक नया वर्जन लॉन्च हो चुका था, जो लास्ट वर्जन उसका माना जाता है। 1 मार्च 2008 में AOL ने डिसाइड किया कि वो इस पे अभी काम नहीं करने वाले, और 2008 में नेटस्केप नेविगेटर जो था वो पूरा का पूरा बंद हो चुका था। और अगर बात करें मोजाइक, जो फर्स्ट वेब ब्राउजर था जो 1993 में लॉन्च हुआ था, वो ज्यादा चला ही नहीं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फीचर्स कम थे, और 1997 में मोजाइक को भी अपनी मार्केट से हट जाना पड़ा, और वो भी 1997 में बंद हो गया। और इसी सारे टाइम पीरियड में जो आज हम ओपेरा ब्राउजर यूज करते हैं, वही ब्राउजर 1995 में लॉन्च हो गया था, और वही सीन था फिर से, जो नेटस्केप नेविगेटर था वो कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहा था, इसकी वजह से ज्यादा कोई यूज नहीं कर रहा था। अगर बात करें 2003 तक नेटस्केप नेविगेटर
डिसअपीयर सा हो गया था क्योंकि लोग उसे यूज नहीं कर रहे थे। और ऑफ कोर्स अगर कोई वेब ब्राउजर या कोई प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो कंपनी उस पर काम नहीं करना चाहती। तो इसी वजह से शायद 2008 में नेटस्केप नेविगेटर की जो भी पूरी अपडेट थी या जो भी मेंटेनेंस था वो बंद कर दिया। तो हमने ट्राई करने के लिए नेटस्केप नेविगेटर का जो फाइनल रिलीज था जो 2008 में रिलीज हुआ था वो डाउनलोड कर लिया और जरा सा टेस्ट करके देखा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी थी, आज के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं वो उस वेब ब्राउजर को सपोर्ट नहीं करते। अगर आप मुझे पूछोगे कि नेटस्केप नेविगेटर 2021 में हम यूज कर सकते हैं या नहीं, तो मेरा आंसर है नहीं। बिकॉज आजकल के जो मॉडर्न प्रोटोकॉल्स है जो 2008 के बाद आए उनको वो सपोर्ट नहीं। इनफैक्ट 2002 या 2003 के बाद भी जो प्रोटोकॉल्स आए थे उनको ये सपोर्ट नहीं करता था, इसकी वजह से यही मार्केट में नहीं चल पाया। और उस दौरान HTML5 का नामो निशान ना होने की वजह से HTML5 की जितनी भी आजकल की वेबसाइट्स है वो इस पे काम नहीं करती है और बहुत सारे अलग अलग आपको एरर्स वगैरह शो करेंगे। तो यही कुछ स्टोरी थी नेटस्केप नेविगेटर की कि नेटस्केप नेविगेटर क्यों चल नहीं पाया। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसे लगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो मोजाइक के बारे में होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड विल टेक नेक्स्ट वीडियो। मिल हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।